हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आप भी अपने डिवाइस में दोस्तों हाइड ऐप का पासवर्ड लगा के भूल गए तो आप क्या कर सकते हो, और ऐप को अनहाइड दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन में हाइड ऐप सेटिंग यूज़ कर रहे हो दोस्तों और अपना हाइड ऐप का पासवर्ड भूल गए हो तो आप क्या कर सकते हो? दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे और आपको अपने फ़ोन में दोस्तों सिक्योरिटी पासवर्ड सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों सिक्योरिटी पासवर्ड सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप हाइड सेटिंग, मतलब जो आपका प्राइवेसी पासवर्ड है दोस्तों। अगर आप ये भूल गए हो मतलब हाइड ऐप का पासवर्ड, तो आप इसको कैसे अनलॉक करोगे? तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर मैं कोई पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फॉरगेट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों फॉरगेट पे क्लिक करते ही आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर याद है आपके हाइड ऐप्स का, तो दोस्तों यहाँ पर आप अनलॉक कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको याद नहीं है तो अनलॉक नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन का फिर फैक्ट्री रिसेट करना पड़ेगा, मतलब आपको इरेज ऑल डाटा करना पड़ेगा अगर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर याद नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर कोई रॉन्ग आंसर एंटर करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आ तो सेटिंग अनलॉक नहीं होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रॉन्ग दिखा रहा आंसर, इनकरेक्ट आंसर। दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे फ़ोन लिख के चेक करता हूँ। दोस्तों फिर से गलत बता रहा है ये, यहाँ पे मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। दोस्तों आपको याद करना है अपना क्वेश्चन का आंसर। जैसे ही आपको याद आ जाता है तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे दोस्तों आप अपने हाइड ऐप सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। जो जो एप्लीकेशन दोस्तों आपके फ़ोन में हाइड है आप उनको चेक करके अनलॉक कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। वरना दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करोगे और उसके बाद दोस्तों आपको सिस्टम सेटिंग में जाके अपने फ़ोन का फैक्ट्री रिसेट यहाँ पर आपको फिर करना पड़ेगा। आपके पास एक ही ऑप्शन लास्ट ये है, और इसको करने से पहले आप अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना और अपने फ़ोन से फाइल ट्रांसफ़र कर लेना। अगर आपके फ़ोन में ऐप लॉक नहीं कर रखा आपने फाइल ऐप के लिए तो आप दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, वरना तो फिर तो दोस्तों आपको इरेज ऑल डाटा करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप फॉरगेट पे क्लिक करोगे, जैसे दोस्तों अपना यहाँ पर आंसर इंटर कर दोगे जो भी आपका आंसर होगा, और यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम नया पासवर्ड सेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पैटर्न की जगह दोस्तों मैं पिन को पासवर्ड को यूज़ करूँगा, और 2580 दोस्तों मैं अपना पिन यूज़ कर रहा हूँ हाइड ऐप्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा, मतलब पासवर्ड नया आ जाएगा, नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। अब दोस्तों ऐप हाइड पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपके फ़ोन में कितनी एप्लीकेशन हाइड है। दोस्तों मेरे फ़ोन में 7 एप्लीकेशन जो कि ये ऐप है ये हाइड है, और मैं इनको अनहाइड कर सकता हूँ ईजिली अब यहाँ से राइट क्लिक करके। दोस्तों मिलते हैं वीडियो, तब तक नमस्कार। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हो दोस्तों हाइड ऐप के पासवर्ड को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वाले ऐप को और इस यू कट ऐप को, स्लाइड ऐप को, शीट ऐप को दोस्तों यहाँ पे मैं अनहाइड कर देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये ऐप अनहाइड हो जाएंगे, मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ इन वाले ऐप को। दोस्तों मिलते हैं स्टूडियो में, बाय।